हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.90। इसमें कह रहा है इस सैंपल ऑफ प्योर PCl5 वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए एवैक्यूएटेड वेसल एट 473 केल्विन आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज अटेंड कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 वाज फाउंड टू बी 0.5 × 10⁻¹ मोल पर लीटर। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज 8.3 × 10⁻³, व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2 एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसकी सिनेरियो बनाता हूं। जैसे मान लो कोई ये खाली अपना वेसल है, क्या खासी खाली वेसल है, मैंने इनिशियली इसमें इंट्रोड्यूस किया है PCl5। जैसे मान लो सपोज करो फाइव मोलिक्यूल्स ही इंट्रोड्यूस किए हैं PCl5। क्या किए? फाइव मोल्स मोलिक्यूल्स ऑफ PCl5 इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे और टेम्परेचर कितना 473 केल्विन। अब ये क्या करेंगे PCl5, ये है PCl5 के, ठीक है, PCl5 डिसोसिएट होगा, PCl5 डिसोसिएट होगा और PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं लो जैसे मान लो ये पांच थे 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें से 2 डिसोसिएट हो गए, किसमें डिसोसिएट हो गए, Cl2 plus PCl3। क्लियर? तो मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 और PCl3 सेम है या नहीं है, बोलो। मतलब जितना भी अगर इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे डिसोसिएट होकर PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आप इसको एट इक्विलिब्रियम मान लो किसी भी कंडीशन पे कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और Cl2 दोनों सेम रहेगी। और ये इक्विलिब्रियम आएगा कैसे पता है आपको? जैसे मान लो इसमें और मॉलिक्यूल्स बनाओ, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझाता हूं आपको। PCl5 डिसोसिएट होकर Cl2 PCl3 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर क्या होगा? मतलब धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, Cl2 और PCl3 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। फिर एक कंडीशन धीरे धीरे क्या होना चालू हो जाएगा, Cl2 और PCl3 दोनों मिलकर किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, PCl5। मतलब दोनों की रेट सेम हो जाएगी, मतलब कुछ PCl3 और Cl2 इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं और फिर PCl5 में और PCl5 इसमें, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, वो होती है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, और उस कंडीशन पे जब दोनों इक्वल आ जाए तब उस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन होती है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि दिस इज द माय रिएक्शन और मुझे चाहिए, आई वांट टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, तो आप कैसे लिखोगे? केसी इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट PCl3 और Cl2। यहां जो भी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में आ जाएगा, तो यहां पर कुछ नहीं है, 1 है तो 1 1। ठीक है, यहां पे कंसंट्रेशन नीचे जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स PCl5, यहां कुछ स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 1। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब आपको केसी की वैल्यू गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और Cl2 दोनों बराबर होगी या नहीं होगी, मैंने डायग्राम ये इसीलिए बनाया आपके लिए, यहां मजाक करने के लिए थोड़ी बनाया ये। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। सपोज करो PCl3 की कंसंट्रेशन x है और इसकी भी कंसंट्रेशन x है, देन इसकी भी डेफिनेटली कंसंट्रेशन x ही रहेगी। ठीक है, तो Kc की वैल्यू फटाफट पुट कर दो, 8.3 × 10⁻³। ठीक है, ये देखो Kc की वैल्यू डायमेंशन लेस है, तो आपको यहां पे इनकी कंसंट्रेशन भी डायमेंशन लेस रखनी है। ठीक है, PCl5 की ये लिखना नहीं है, क्योंकि देखो कैसे लिखते हैं, मोल पर लीटर है ना। ठीक है, तो इसको विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड स्टेट में देखेंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मतलब PCl5 0.5 × 10⁻¹। ठीक है, ओ इनकी कंसंट्रेशन x है तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, x स्क्वायर इक्वल टू
8.3 इंटू 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू इसको इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को, ये आ जाएगा 0.15 और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 10 टू पावर माइनस 4, ठीक है। तो x इक्वल टू कैसे निकालोगे अभी इसका, देखो इसका रूट करना है अपने को, रूट देखो 10 टू पावर माइनस 4 का रूट होता है 10 टू पावर माइनस 2 और 4 का रूट होता है 2, तो इसका अप्रोक्सीमेटली 2.04 कर दो, 2.03 भी कर सकते हो, ये अप्रोक्सीमेटली करोगे आपको या तो वैल्यू गिवन होगी और या नहीं गिवन तो फिर अप्रोक्सीमेटली करोगे, ठीक है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.04 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोलरिटी, क्योंकि ये जो PCl5 है ना मोलर में दे रखा है, ठीक है। तो x इक्वल टू दोनों की कंसंट्रेशन, PCl3 के कंसंट्रेशन भी ये है और Cl2 की कंसंट्रेशन भी है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो PCl3 की कंसंट्रेशन 2.04 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोलर और Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी देगी 2.04 इंटू 10 माइनस 2 मोलर, ठीक है।